पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी झाबुआ जिले में इन दिनों किसान सरकार की नीति रीति पर सवाल खड़े कर रास्तों पर उतर आए हैं। ऐसे में विपक्ष भी सीधे तौर पर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। आज दोपहर किसानों का विशाल जनसमूह झाबुआ की सड़कों पर निकला, जिसका आयोजन स्थानीय बस स्टैंड से सभा के रूप में कांग्रेस ने किया। एक रैली के आयोजन के माध्यम से जिला कलेक्टर झाबुआ को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सीधे तौर पर किसानों के फसल बीमा मुआवजा मांग और फसलों में लगी बीमारियों को लेकर मांग की गई। इस पूरे आयोजन में झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने अगुवाई की और अधिकारियों से किसानों के हालात बयान करते नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांगों लेकर एसडीएम कलेक्टर झाबुआ को विशाल जन समूह के साथ ज्ञापन सौंपा गया। आक्रोशित किसानों के लेकर पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 10,000 रुपए बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाने की कार्रवाई अपने जिले में चल रही है। यहाँ तक पात्रता पर्ची की बात है, 61,000 नए पात्रों को जोड़ने की कार्रवाई हो रही है और लगभग 78% हमने अपनी प्रगति अपने जिले की हो गई है। तो इन सारे ही विषयों को हम लोग प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रशासन के मंशानुसार कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे किसानों को यहाँ कोरोना के समय से यहाँ आने की आवश्यकता है। सब लोग दूरी बना के रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। प्रशासन द्वार द्वार पहुँच के चीज के मुआयना कर रहा है और ऐसा उचित हमको अगर आवश्यकता तो मेरे अगर किसानों को देने में क्यों कमी आ रही? 17 लाख करोड़ रुपया कहते मैंने भेज दिया, वो कहाँ गया 17 लाख करोड़ रुपया? वो कहते मैंने सभी आदिवासी जिलों में मैं सड़कें बना रहा हूँ, बोले 11 लाख करोड़ रुपया और मैंने सड़कों बनाने के लिए हमने दिया, बोले 11,000। तो वो कहाँ कैसे क्या हुआ, वो पैसे कहाँ गया? अरे तुम तो बने चौक चौक कर पर पहले मुआवजा तो दे दे। हमारा गरीब आदमी आज बने दाल रोटी उसके घर में नहीं है, मजदूरी चल नहीं रही है। गुजरात से जब कोरोना की वजह से भगभग किया है, फिर वापस लोग जा रहे हैं, वहाँ भी कोई मजदूरी नहीं। कैसे हमारे आदिवासी भाई किसान जो अन्नदाता कहते हैं, जिसको आज वो दर दर ठोकरे खा रहा है। कभी आदिवासी भीख नहीं मांगता है, कभी किसान भीख नहीं मांगता है, वो मेहनत करके और पैसे मांगता है। तो मेहनत का पैसा आपको देना पड़ेगा शिवराज जी, ये आपको हम लोग इसलिए ऐलान करने के लिए आया है। तो आज यहाँ पर इस तरह से बड़ी कितनी बड़ी संख्या और भी लोग आ रहे हैं, जितने भी हमारे इधर खड़े हैं, अपन यहाँ से सब एक साथ जाएंगे और जाके कलेक्टर को अपन ज्ञापन देंगे, तब जाके सरकार होश में आएगी। आज इस तरह से पूरी परेशानी हमारे सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके सामने कही है, उस बात को भी आपको समझ के और अब जब जब कोई बात है, जब तक अपन आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। आज यहाँ झाबुआ का मीडिया एक शानदार मीडिया है, तो आज ये आवाज हमारी शिवराज के कान तक पहुँचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहता कि पैसों की कोई कमी नहीं आने दूंगा, 20 लाख करोड़ हमने पैसा भेज दिया मध्य प्रदेश, वो पैसा गया कहाँ? 11,700 करोड़ रुपए के रोड बनाए बना दिए, बोले वो रोड कहाँ बने? कांग्रेस जमान रोड बने हुए सारे, आज खड्डे पड़े एक एक फिट के, वो भी पूरे नहीं कर रहे। वो कहते हमने रोड भी 11,000 करोड़ का दे दिया हमने, ये वो कहाँ गया पैसा, उसकी भी जांच।